कई मुकाबले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा हमें पहले से पता होता है। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव भी एक ऐसा ही मुकाबला है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तय करने के लिए आज देश भर के सांसदों और विधायकों ने वोट दिए। देश का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने की रेस में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में। राष्ट्रपति के लिए वोटिंग आज हुई है और इसका रिजल्ट 21 जुलाई को आएगा। रिजल्ट में जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा वो 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की कुछ खास तस्वीरें आपको आज जरूर देखनी चाहिए। इसमें पहली तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिसमें वो बैलेट बॉक्स में अपनी पसंद के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की पर्ची डाल रहे हैं। इसके अलावा आज वोटिंग की दो और तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें एक तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की थी। 89 साल के मनमोहन सिंह आज व्हीलचेयर पर अपने पसंद के राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट देने पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव भी व्हीलचेयर पर ही वोट देने आए थे। वोटिंग की पर्ची बैलेट बॉक्स में डालने के लिए उनकी मदद के लिए पार्लियामेंट स्टाफ वहां पर मौजूद था। इस मुकाबले में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। बस ये पता चलना बाकी है कि दोनों पक्षों का फाइनल स्कोर क्या रहता है। किसी भी मुकाबले में स्कोर बोर्ड को पूरी तरह समझने के लिए आपको उसके नियम कायदे पता होने चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया की सरल कुंजी तैयार की है। आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कुंजी या गाइड का इस्तेमाल कभी ना कभी जरूर किया होगा, इसे भी ऐसी ही कुंजी मानिए। राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया लोकसभा या विधानसभा चुनावों से अलग होती है। देश का राष्ट्रपति कौन होगा ये देश में मौजूद कुल 4,809 सांसद और विधायक तय करते हैं। इन सभी विधायकों और सांसदों की वोटिंग भी अलग तरीके से होती है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में हर राज्य के विधायक या सांसद के वोट की एक खास वैल्यू यानी मूल्य होता है। वोट की वैल्यू अलग अलग राज्यों के हिसाब से बदलती रहती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी राज्य के विधायक के एक वोट की वैल्यू 208 है तो अन्य राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू केवल 8। अलग अलग राज्यों के विधायकों की वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। जब विधायक और सांसद वोट दे देते हैं तब उनके वोट की वैल्यू को जोड़कर तय किया जाता है कि राष्ट्रपति पद के किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, यानी यूपी के कुल 403 विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू हुई 83,824। इसी तरह से मिजोरम के एक विधायक के वोट की वैल्यू 8 है, यानी मिजोरम के कुल 40 विधायकों के वोट की कुल वैल्यू होगी 320। तो इस तरह से देखा जाए तो देश में सांसदों और विधायकों के सभी वोटों की कुल वैल्यू 10,86,431 है, जिसमें 776 सांसदों के कुल वोटों की वैल्यू है 5,43,200 और देश के कुल 4,033 विधायकों के वोट की कुल वैल्यू है 5,43,231। यहां आपको हम एक लिस्ट भी दिखाना चाहते हैं जिसमें राज्यों के नाम के साथ वहां के विधायकों के वोट की वैल्यू लिखी हुई है। इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किसी राज्य के एक विधायक का वोट अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कितने काम का साबित होगा। इस लिस्ट में राज्यों के हिसाब से वहां के विधायकों की संख्या और प्रति विधायक वोट की वैल्यू हमने दिखाई है। यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि किसी उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कुल 5,43,216 वोटों की जरूरत होती है और यह संख्या हासिल हुई या नहीं ये उम्मीदवार को मिले वोटों की वैल्यू जोड़कर पता चलता है। इसमें सांसदों और विधायकों दोनों के वोटों की वैल्यू शामिल होती है। जहां तक एनडीए और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की दावेदारी की बात है तो इस रेस में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आगे हैं। अभी तक जो स्थिति बन रही है उसमें यही लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में करीब 60% वोट पड़ सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच वोट का अंतर भी काफी बड़ा रह सकता है। एक आकलन के अनुसार द्रौपदी मुर्मू को कुल 6,66,028 वोट मिल सकते हैं। यह अंदाजा एनडीए और कुछ अन्य दलों के वोट को जोड़कर लगाया जा रहा है। जहां तक समर्थन की बात है तो द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अलावा अकाली दल, बीएसपी, टीडीपी, जेडीयू, एआईएडीएमके, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का समर्थन मिल रहा है। इस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी काफी मजबूत नजर आती है। वहीं अगर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को देखें तो उनको यूपीए और अन्य दलों से करीब 4,13,728 वोट मिल सकते हैं।
जहां तक पार्टियों के समर्थन की बात है तो यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और टीआरएस का समर्थन मिलता दिख रहा है। फिलहाल आकलन ये बताता है कि यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले काफी कम वोट मिल सकते हैं। एक आकलन ये भी बताता है कि एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में करीब 61.58% वोट मिल सकते हैं, जो उनकी जीत के लिए काफी रहेंगे। दूसरी ओर यशवंत सिन्हा को करीब 38.21% वोट हासिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति चुनाव में जीत से काफी दूर नजर आते हैं। हालांकि रिजल्ट तो 25 जुलाई को आएगा, लेकिन फिलहाल समीकरण द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही नजर आ रहा है। सियासी समीकरण यही बताते हैं कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो वो उड़ीसा से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू का नाम 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी उठा था, लेकिन तब रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे करके बीजेपी ने यह संदेश भी दिया है कि उनके कार्यकाल में देश के पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग भी सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी ने उनको अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार नामित किया। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। संथाल समुदाय भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर विधानसभा से बीजेपी टिकट पर 2 बार जनता का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पूरी जिंदगी अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए लगाई। विधायक रहते हुए उनके योगदान के लिए 2007 में उन्हें उड़ीसा सरकार ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर नीलकंठ अवार्ड दिया था। शिक्षक रहीं द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में बीजेपी के साथ हुई थी। उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया है और कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं। आज आपको राष्ट्रपति पद के औपचारिक चुनाव की अनौपचारिक विजेता द्रौपदी मुर्मू के गांव लेकर चलते हैं। जति धर्म टला मल गुजुले कानेलो जति धर्म टला। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का गांव वाला भी बहुत खुश हैं। दिल्ली से इंसान चले तो 1681 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेगा ओडिशा के भुवनेश्वर। वहां से 313 किलोमीटर की दूरी और तय करे तो पहुंचता है एक अलसाए हुए गांव में, ऊपर बेड़ा गांव। ये गांव राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गांव है। यकीनन द्रौपदी मुर्मू की कहानी साधारण से असाधारण बनने की है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी जब आप देखेंगे तो पाएंगे कभी गम के अंधेरों में गोते लगाती तो कभी खुद के लिए उजालों की राह तलाशती। आज द्रौपदी मुर्मू के घर से हम गढ़ेंगे और जानेंगे उनकी भविष्य की कहानी कि कैसे इन गलियों से निकलकर आज राष्ट्रपति के द्वार पर जाकर वो खड़ी हो गई हैं। ऊपरबेड़ा गांव से देश के सबसे प्रतिष्ठित पद के पायदान पर खड़ी द्रौपदी मुर्मू की उपलब्धि पर परिवार फूला नहीं समाता। भतीजे की पत्नी संथाली में मंगल गाती है, खुशियां मनाती है। द्रौपदी मुर्मू जो 2 भाइयों में एक बहन, उनके भतीजे की पत्नी हमारे साथ दुलारी जी इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के तमाम छोटे बच्चे भी हैं, ये प्यारी प्यारी बच्चियां भी, और यकीनन इनकी आंखों में भी एक बड़ा सपना वो दे कर गई हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं, कितनी खुशी हुई ये खबर सुनकर। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का गांव वाला भी बहुत खुश है। हाँ, हाँ। कुछ यादें हैं जो शेयर कर रहा? आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? जब दिल्ली गए। हाँ। उस समय तो जब दिल्ली जा रही थी तो क्या कहा उनकी ओर से, क्या कहा गया, उन्होंने क्या बोला? अच्छा से रहो, बाल बच्चा का ख्याल रखो। हाँ। हम जा रहे हैं। मुश्किल होता है आदिवासियों का पढ़ना और उस पर भी आदिवासी लड़कियों का पढ़ना और मुश्किल होता है, मगर द्रौपदी मुर्मू के जीवन की पाठशाला का पहला अध्याय यहाँ से लिखा गया और यहीं से पढ़ा गया।